माताएं बहनें सामने बैठी हुई हैं जी, मैं उन्हीं के लिए कुछ सुनाना चाहूँगी, मैं गीत सुनाना चाहूँगी, आप लोग सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही 3 तलाक पर बिल पास हुआ है। तलाकशुदा महिलाओं को बड़ी राहत मिली, बड़ी खुशी हुई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कहना भी चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ। सुनिए सर, सुनिए प्लीज। कि बेटी जब कुंवारी होती है, बेटी जब कुंवारी होती है तो बड़ी प्यारी लगती है, विधवा होती है तो दुखियारी लगती है, लेकिन एक तलाकशुदा बेटी को क्या कहा जाता है, मैं ये आज तक नहीं समझ पाई। और उन्हीं मेरी बहनों का, तलाकशुदा महिलाओं का दर्द लेकर के मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपनी दुआओं से मुझे नवाजिएगा। लेटेस्ट लेटेस्ट टॉपिक पर लेटेस्ट कविता, वाह बड़ी बात है, स्वागत। मुकर न था जो वादे से इकरार क्यों किया, मुकर न था जो वादे से इकरार क्यों किया, करना ही था जो धोखा तो फिर प्यार क्यों किया, करना ही था जो धोखा तो फिर प्यार क्यों किया। हाय जिंदगी ये जल गई नफरत की आग में, हाय जिंदगी ये जल गई नफरत की आग में, देना ही था तलाक तो निकाह क्यों किया, देना ही था तलाक तो निकाह क्यों किया। और सुनिएगा अगला बंद आपके सामने पेश करती हूँ। बढ़िया बढ़िया। सुनिए, एक सुहागन के लिए उसका पति, उसका शोहर उसकी आंखों का नूर होता है, जब तक वो लौट कर घर नहीं आता साहब, तो वो घर पर खड़ी खड़ी, देहरी पर खड़ी खड़ी इंतजार करती है, अपने हमसफर का इंतजार करती है। पति पत्नी के बीच के रिश्ते कांच के शीशे के रिश्ते की तरह नाजुक होते हैं, जरा सी ठेस लगने से टूट जाते हैं। कहना चाहती हूँ सुनिएगा, बहुत उत्कृष्ट गीत है भाई, शानदार। आंखों के नूर इतने क्यों बेनूर हो गए, आंखों के नूर इतने क्यों बेनूर हो गए, ए हम सफर मेरे क्यों इतनी दूर हो गए, ए हम सफर मेरे क्यों इतनी दूर हो गए, शीशे के रिश्ते टूट के क्यों चूर हो गए, शीशे के रिश्ते टूट के क्यों चूर हो गए, क्या है मेरी खता पता गुनाह क्यों किया, क्या है मेरी खता पता गुनाह क्यों किया, देना ही था तलाक तो निकाह क्यों किया, देना ही था तलाक तो निकाह क्यों किया, देना ही था तलाक तो निकाह क्यों किया। और इस तलाक जैसे अजाब में सबसे ज्यादा जो नुकसान भुगतते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और साहब हमारे देश में बेटी चाहे किसी भी धर्म की हो, लेकिन शादी के वक्त उसे ये शिक्षा दी जाती है कि बेटी डोली में जा रही है लेकिन अर्थी पर वापस आना, जनाजे पर ही उस घर से निकलना, कभी बिना बात के उस घर से लड़ाई दंगा करके घर से नहीं निकलना। तब मैं कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छा गीत है मित्रों, सुनिएगा। मासूम से इन बच्चों को अब क्या बताऊंगी, मासूम से इन बच्चों को अब क्या बताऊंगी, बाबुल के घर भी क्या दोबारा लौट पाऊंगी, बाबुल के घर भी क्या दोबारा लौट पाऊंगी, सरताज मेरे गम से तेरे मर ही जाऊंगी, सरताज मेरे गम से तेरे मर ही जाऊंगी, नसीब इश्क तूने बेपनाह क्यों किया, नसीब इश्क तूने बेपनाह क्यों किया, देना ही था तलाक तो निकाह क्यों किया, देना ही था तलाक तो निकाह क्यों किया, देना ही था तलाक तो निकाह क्यों किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। बेशक बेशक, ये सुनने वाले ही है मैडम, वो जो भीड़ थी वो तो निकल गए। बिल्कुल, बहुत गंभीरता से आप लोगों ने सुना है, इतने खो गए कि तालियां बजाना भूल गए। नहीं नहीं, वो अच्छी कविताओं को अच्छे तरीके से सुना जाता है। सुनिएगा जी, 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 स्वागत। अभी अभी कश्मीर से 370 हटी है, बहुत खुशी हुई। और सुनिए कि खासकर वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ है इससे, और पूरे देश को फ़ायदा हुआ है। मैं अपनी मादरे वतन से मोहब्बत करती हूँ, श्रृंगार रस की कवयित्री हूँ, तो उसी अंदाज में 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करती हूँ, सुनिए। स्वागत स्वागत, पढ़िए बढ़िया। रांझे हैं सिपाही मेरे हीर ना देंगे, रांझे हैं सिपाही मेरे हीर ना देंगे, ख्वाबों की हरगिज तुम्हें ताबीर ना देंगे, ख्वाबों की हरगिज तुम्हें ताबीर ना देंगे, सोचा कैसे तुमने बाजी मार
सोचा कैसे तुमने बाजी मार जाओगे, ताज है मेरे देश का कश्मीर ना देंगे। क्या बात है, वाह वाह। ताज है मेरे देश का कश्मीर ना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। बढ़ती दूराई, बढ़ती